ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको नवरात्र के छठे दिन यानी माँ कात्यायनी की पूजा के बारे में अवगत कराया जाएगा। नवरात्र का छठा दिन यानी 11 अक्टूबर 2021 के दिन पड़ने वाले नवरात्र को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। उस दिन की पूजा विधि, भोग प्रसाद, मंत्र जप और कथा के बारे में इस वीडियो में पूर्णतः आपको बताया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, एक बार कमेंट में अवश्य लिख दे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो मित्रों, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस दिन जो माँ की पूजा करते हैं उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्ति करने वाली माना गया है और कहा जाता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। माँ ने महिषासुर का वध किया था और उसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध माँ ने ही किया था। सिर्फ यही नहीं, सभी 9 ग्रहों को उनकी कैद से भी छुड़वाया था। तो चलिए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। मित्रों, इनकी पूजा विधि के लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निर्वृत हो जाएं। फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। फिर एक पुष्प हाथ में लें और बताए जाने वाले मंत्र का जप करें। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार से आपने उस मंत्र को जपना है, एक हाथ में पुष्प लेकर यानी हाथ में फूल लेकर। मंत्र इस प्रकार से बोलना है मित्रों आपने, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिथा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद इस फूल को यानी इस पुष्प को माँ के चरणों में चढ़ा दें। फिर देवी को लाल वस्त्र और 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान से सुन लीजिए, मंत्र जप करने के बाद एक बार आपने वह मंत्र बोला और इस फूल को माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। फिर माता रानी को लाल वस्त्र चढ़ाना है, 3 हल्दी की गांठ चढ़ानी है, पीले फूल चढ़ाने हैं, फल चढ़ाने हैं और नैवेद्य अर्पित करना है। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और जिस प्रकार से मैं आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का जप करना है और उसके बाद माँ की आरती करनी है। और अगर भोग विधि के बारे में बात करें जो कि माँ को अत्यंत प्रिय है, वह माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगवाएं, इससे माँ प्रसन्न हो जाती हैं। अब जानते हैं माँ की कथा के बारे में। मित्रों, महर्षि कात्यायन ने देवी आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें देवी उनकी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई थी। देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। इनके पुत्री होने के चलते इन्हें कात्यायनी के नाम से पुकारा जाने लगा। देवी का जन्म तब हुआ, उस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। असुरों ने धरती के साथ साथ स्वर्ग में भी त्राही त्राही मचा रखी थी। त्रिदेवी के तेज और देवी ने ऋषि कात्यायन के घर अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया। इसके बाद दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत माँ ने किया था। इतना ही नहीं, शुंभ और निशुंभ के स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया था। वहीं इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, नवग्रहों को बंधक भी बना लिया था। असुरों ने अग्नि और वायु का बल भी अपने कब्जे में कर लिया था। स्वर्ग से अपमानित कर असुरों ने देवताओं को निकाल दिया था। तब सभी देवता देवी के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। माँ ने इन असुरों का वध किया और सबको इनके आतंक से मुक्त किया। तो एक बार कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी, जय माता दी, जय माँ कात्यायनी। मित्रों, अब माँ कात्यायनी के उस मंत्र के बारे में बात करते हैं जो मंत्र जाप आपने सुबह शाम जपना है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम कात्यायनी देव्ये नमः, ओम कात्यायनी देव्ये नमः, ओम कात्यायनी देव्ये नमः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का सुबह और शाम में जप करना है। तो मित्रों,
उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी सवाल है, पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।